Convert your PSD templates to AX templates. Photoshop एक्स टेम्पलेट्स सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए फाइल मेनू से ओपन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए PSD टेम्पलेट फाइल को ओपन कीजिए टेम्पलेट को अल्बम एक्सप्रेस के लिए कन्वर्ट करने से पहले PSD फाइल को और उसके लेयर्स को ठीक से स्टडी कीजिए अब फाइल मेनू में जाइए और स्क्रिप्ट ऑप्शन से डिजीफ्लिक AX एक्स टेम्पलेट कन्वर्टर सिलेक्ट कीजिए एक विंडो ओपन होगी टेम्पलेट लेयर वाइज कन्वर्ट होते हैं और आपको हर लेयर के लिए कन्वर्जन टाइप पूछा जाता है यहाँ आप देख पाएंगे अलग अलग टाइप्स के लेयर्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं। ये पैरामीटर्स आपको लेयर असाइन करने में गाइड करते हैं विंडो के पीछे आप लेयर का प्रीव्यू देख सकते हैं जो लेयर आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसे आप लेयर पैनल में भी देख सकते हैं फर्स्ट लेयर बैकग्राउंड लेयर है और यहाँ दिए गए पैरामीटर्स के मुताबिक बैकग्राउंड को नंबर फोर से डिफाइन किया है जो पी एच डी टेम्पलेट मैंने कन्वर्जन के लिए सिलेक्ट किया है उसकी अगली लेयर 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 बैकग्राउंड है है और इसीलिए मैंने उसे नंबर से डिफाइन किया है। अगली लेयर यहाँ डिस्प्ले होगी किसी भी तरह की मास्क लेयर चाहे वो क्लिपिंग मास्क लेयर हो या लेयर्ड मास्क लेयर हो दोनों को फोटो विथ मास्क लेयर की तरह ट्रीट किया जाता है और उसे नंबर वन वन मतलब 11 से डिफाइन करते हैं हमने फोटो विथ मास्क लेर को डिफाइन कर लिया है इसीलिए इसके साथ वाली फोटो लेयर अब अनवांटेड हो गई है इसलिए उसे करने के लिए नंबर इंसर्ट कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए जो टेम्पलेट सिलेक्ट किया है उसकी अगली लेयर है बैकग्राउंड और इसलिए मैंने उसे नंबर फोर से डिफाइन किया है अब यहाँ पर मेरे टेम्पलेट में एक क्लिपिंग मास्क लेयर है इसलिए मैंने उसे नंबर से डिफाइन किया है और उसके साथ वाली क्लिपिंग मास्क फोटो लेयर को नंबर जीरो से डिस्कार्ड किया है अब जो लेयर आप देख रहे हैं वो एक बैकग्राउंड लेयर है और उसे मैंने नंबर फोर से डिफाइन किया है मेरे टेम्पलेट में अगली लेयर है क्लिप आर्ट और इसे मैंने नंबर दो से डिफाइन किया है फिर से क्लिप आर्ट लेयर अपियर हुई है और इसीलिए मैंने इसे भी नंबर दो से डिफाइन किया है ये मेरे टेम्पलेट की क्लिपिंग मास्क लेयर है और इसे मैंने नंबर 11 से डिफाइन किया है क्लिपिंग मास्क से रिलेटेड फोटो लेयर अनवांटेड है और इसलिए उसे नंबर जीरो से डिस्कार्ड किया है अगली लेयर एक फोटो लेयर है और फोटो पे कोई मास्किंग इफेक्ट नहीं है इसलिए उसे नंबर एक से डिफाइन किया है मेरे टेम्पलेट की जो अगली लेयर है वो एक लेयर्ड मास्क लेयर है और मैंने उसे फोटो विथ मास्क में कन्वर्ट करने के लिए नंबर 11 से डिफाइन किया है पी एच टेम्पलेट में फोटो पे दिए गए इफेक्ट्स कन्वर्ट नहीं होते हैं और आपको उन इफेक्ट्स को अल्बम एक्सप्रेस में फिर से अप्लाई करना पड़ता है टेम्पलेट के सारी लेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगी अल्बम एक्सप्रेस के शॉर्टकट आइकॉन पे राइट क्लिक करके सॉफ्टवेयर का फाइल लोकेशन ओपन कीजिए प्रोडक्ट्स फोल्डर में जाइए और डिजी एल्बम फोल्डर ओपन कीजिए यहाँ पर एक थीम फोल्डर आपको दिखाई देगा जिसे आपको ओपन करना है जहां पर आपने कन्वर्ट किए हुए टेम्पलेट सेव किए हैं, उस लोकेशन फोल्डर को ओपन कीजिए कन्वर्टेड टेम्पलेट्स के फोल्डर से सारे फोल्डर्स कॉपी कीजिए और अल्बम एक्सप्रेस के फोल्डर में पेस्ट कीजिए कन्वर्टेड टेम्पलेट्स के फोल्डर्स को अल्बम एक्सप्रेस के फोल्डर में मर्ज करने के लिए एक कन्फर्मेशन पूछा जाएगा सारे फोल्डर्स को मर्ज करने के लिए इस चेकबॉक्स को चेक कीजिए और यस पर क्लिक कीजिए। सारे फोल्डर्स मर्ज हो जाएंगे अल्बम एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए और डिजाइन एल्बम विंडो में को थीम वाइज फ़िल्टर कीजिए और कन्वर्ट किए हुए टेम्पलेट्स को देखिए कन्वर्ट किए हुए टेम्पलेट्स को इंसर्ट कीजिए और फोटो टैब से फोटो इंसर्ट कीजिए फोटो को सिलेक्ट कीजिए फोटो पे इफेक्ट देने के लिए इफेक्ट्स टैब में जाइए और इफेक्ट्स टैब से ग्लो इफेक्ट दीजिए अप्लाई किए हुए इफेक्ट्स को कस्टम ऑप्शन से कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस तरह PSD टेम्पलेट फाइल को कन्वर्ट करके अल्बम एक्सप्रेस में यूज किया जा सकता है